स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से आयुष विभाग के डॉक्टर ने मुलाकात की और अपनी समस्याएं बताई। मिश्रा ने डॉक्टर्स को आश्वस्त किया है और कहा है कि किसी का भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। गृह लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से आयुष विभाग के डॉक्टर्स ने मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य मंत्री मिश्रा ने डॉक्टर से कहा कि किसी भी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल ने डॉक्टर मिश्रा से तमाम समस्याओं को लेकर चर्चा की। डॉक्टर मनोज सोलंकी ने बताया कि उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, साथ ही पीपीई किट पहनकर गर्मी में काम करने के बावजूद उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आश्वस्त किया कि उनके साथ न्याय किया जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में सभी बातें लाते हुए सबको न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सर्वे की हाजिरी जोड़ का कंप्लीशन दिया जाए। आयुष इंटर्न डॉक्टर को जितने COVID-19 सर्वे में सेवाएं दे रहे हैं उनको कंप्लीशन मिलने के बाद सरकारी आयुष के पदों पर नियुक्ति दी जाए और जितने भोपाल के अंतर जितने कंटेनमेंट एरिया हैं जहांगीरबाद जाट खेड़ी कोलार जितने ज्यादा संक्रमित एरिया है वहाँ पे पेशेंट कोविड के पेशेंट पाए जा रहे हैं तो वहाँ पे लगातार हम आयुष इंटर्न डॉक्टर लगातार सेवाएं दे रहे हैं और अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई मानदेय नहीं दिया गया। इस विषय में हम माननीय मंत्री जी से मुलाकात की है, माननीय मंत्री ने ज्ञापन दिया, माननीय मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द आपको करेंगे। किट में पूरे दिन भींग जाते हैं सर, दिन में तीन तीन दिन नहाया जाता है, पूरी शरीर में जलन होने लगी है, हम इतनी परेशान है कि कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस विषय में आपके यहाँ पर सर सबसे बड़ी बात है ना सर, सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोगों के साथ एकदम भेदभाव नहीं है बेटा मेरे पे, यूनानी और सर सबसे बड़ी बात हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे अभी डेंटल डॉक्टर्स हैं, इवन वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको 60,000 रुपए महीने हिसाब से दिया जा रहा, हम लोगों को एक रुपया भी नहीं दिया जा रहा। दो तीन दिन में आ जाएगा वैसे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।